हाय, दिस इज मी आसन। आज हम बात करेंगे इलस्ट्रेटर में रीशेप टूल किस तरह से काम करता है। सो लेट्स स्टार्ट। फाइल मेन्यू ओपन, हार्ड ड्राइव से एक फाइल मैं अपने पास में ओपन कर रहा हूँ। कंट्रोल जीरो टू फिट इन व्यू, एक स्पाइरल ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्पाइरल किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, तो आप YouTube पे अवेलेबल इस कोर्स की सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। अभी मैंने सिंपली टूल लिया है और क्लिक एंड ड्रैग करके एक स्पाइरल जो है वो ड्रॉ कर लिया। रीशेप टूल जो है ये हमारे पास में स्केल फैमिली में मौजूद है। रीशेप सेलेक्ट करते हैं। अब हम इन एंकर पॉइंट्स को क्लिक करके रीलोकेट कर सकते हैं या किसी ऐसे पॉइंट पे क्लिक करेंगे जहां पे हमारे पास में एंकर पॉइंट मौजूद नहीं है, वहां पे एक न्यू एंकर पॉइंट बिल्ड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं अपनी बेस से ये स्विंग होता हुआ स्पाइरल हमें दिखाई दे रहा है। रीशेप हो गया स्ट्रक्चर और एक नया एंकर पॉइंट जो है वो ऐड हो गया। सो जहां से हम ग्रैब करना चाहते हैं क्लिक आउट देयर और उस रेफरेंस के पॉइंट के तबार से हम उसको रीशेप कर सकते हैं। थैंक यू।